और में खुशाम दी। है और ये है लेटेस्ट वी थर्टी फाइव जी और इस वी सीरीज़ की यहाँ रिव्यू स्पीकर पे बहुत ही वी स्पेशल पोजीशन है लेकिन इसकी रूट अब भी सेम है वी सीरीज के फोन आज भी कैमरा सेंट्रिक किस्म के फोन होते हैं अब अगर बात करें प्राइस की तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हमारे पास क्लैरिटी नहीं है फोन की एक्चुअल प्राइस क्या निकल के आएगी लेकिन ये पता है कि एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है बारह जीबी रैम और दो सौ छप्पन जीबी स्टोरेज के साथ आ तो रहा है कि ये 5G, V29 से कम प्राइस पे लॉन्च होगा इन एनी केस लॉन्च के बाद मैं प्राइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना फीडबैक नीचे मुझे में मुझे जरूर दीजिएगा तो फोन इस बार इस चारकोल ग्रे कलर के बॉक्स में आया है लेकिन ऑब्वियसली आप लोग यहाँ बॉक्स में फोन देखने के लिए आए हैं तो जल्दी से हैंडसेट को चेकआउट करते हैं और जाना आप चेक इट आउट भी अब भी मिड रेंज और मिड प्रीमियम रेंज के खूबसूरत तरीन फोन बना रहा है हमारे पास आज ये पीकॉक ग्रीन कलर में आया है जो कि यूवी रिएक्टिव कलर है धूप में ब्लू हो जाता है और ये फोन वेविंग एक्वा कलर में भी आता है जिसमें आप ये वाटर की वेव्स जैसा डिजाइन देख सकते हैं फोन की डिजाइन पर आगे चल के बात करेंगे पहले जरा बॉक्स के बाकी कॉन्टेंट्स देख लेते हैं तो फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस आता है कुछ यूजर मैन्यूल है एक अल्ट्रो फास्ट चार्जिंग पावर ब्रेक और केबल आता है जो कि फोन को 80 वॉट्स पर चार्ज करता है और आखिर में यहां कोने में एक सिम इजेक्टर टूल है और अब आते हैं इस Vivo V35G वी पे तो इस V सीरीज की डिजाइन लैंग्वेज मुझे Vivo V29 वी से ही इनके प्रीमियम X70 Pro जैसी लगने शुरू हो गई है वही स्लिम किस्म का प्रोफाइल वैसी ही कर्व्ड एजेस और बैक पे ये मैट फिनिश जो कि सैटिन जैसी सॉफ्ट टच वाली मैट फिनिश है और उसके अंदर भी वैसा ही ग्लिटर इफेक्ट है जैसा हमने V29 और उससे पहले X70 Pro में देखा था फोन की थिकनेस सिर्फ अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में आती है लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि इतना स्लिम होने के बावजूद भी पावर की बैटरी फिट की है, वीवो का दावा है कि फाइव थाउजेंड मिली पावर बैटरी फोन की बैक फ्लोराइट एंटी ग्लेयर ग्लास की है जबकि आगे वाली तरफ स्कॉट एल्फा ग्लास है फॉर बिट मोर ड्यूरेबिलिटी और बीच की ये फ्रेम सुनने में आ रहा है कि प्लास्टिक की है Which is a bit of a bummer, क्योंकि इतने प्रीमियम फीलिंग फोन में मेरा ख्याल है मेटल की फ्रेम होनी चाहिए थी फोन के ऊपर वाली तरफ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट का बैज है जबकि नीचे वाली तरफ है इसकी सिम ट्रे एक यूएस बी टाइप सी पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर और भाई जब इस फोन में कोई ऑडियो जैक भी नहीं है लेकिन मेरे लिए बड़ा इशू ड्यूल स्पीकर का ना होना है इस वक्त एक से डेढ़ लाख वाले प्राइस पॉइंट पे ये फोन उन रेयर फोन में से है जिनमें अब भी ड्यूल स्पीकर नहीं है कम ऑन भी वो ड्यूल स्पीकर लाओ यार अब आ जाए बैक पे तो यहाँ ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है जिसके टॉप हाफ में इस फोन के कैमराज हैं जबकि बॉटम हाफ में सिर्फ लाइट्स हैं एक तो एलईडी फ्लैश है लेकिन ज्यादा स्पेशल है इसकी ये और लाइट इस और लाइट की दो खसूसियात हैं एक तो इसका कलर टेम्परेचर चेंज होता है आप इसे खुद भी चेंज कर सकते हैं लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ये एक स्मार्ट फीचर है तो आप इसे ऑटो पे रख के यूज कर सकते हैं जिसमें आपके एनवायरमेंट में लाइट के हिसाब से ये और लाइट खुद को एडजस्ट करेगी फोटो में वाइट बैलेंस को ठीक रखने के लिए लेकिन मेरी नजर में यह इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओ यानी कि ऑप्टिकल इमेज इमेजेबेशन यहाँ बैक कैमरा में पचास मेगा का ऑप्टिकली स्टेबिलाईज मेन कैमरा है और ऑप्टिकल स्टेबिलाईजेशन का नॉर्मली हमें दो चीजों में इम्पैक्ट दिखता है फोटोज की क्लैरिटी और डेफिनेशन फोटोज ज्यादा डिटेल दिखती हैं और बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस फिर इस बार अल्ट्रा अल्ट्रोवाइट कैमरा को मेजरली अपग्रेड कर दिया गया है

जिसकी वजह से विवो ने इसका नाम ए एफ ग्रुप सेल्फी कैमरा रखा है और हाँ आगे वाले कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन फोर के एथ थर्टी एफ है दोस्तों आगे बढ़ के बात करेंगे डिस्प्ले की और यहाँ भी हमें पिछली बार की तरह एक बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले मिल रहा है 6.78 पॉइंट सेवन एट इंच का एमोलेट डिस्प्ले है वन हंड्रेड ट्वेंटी हर्ट्स के हाई रिफ्रेश रेट के साथ फिर यहाँ वन बिलियन कलर्स हैं जी हाँ ये एक टेन बिट डिस्प्ले है और इसमें एच डी प्लस का सपोर्ट भी दिया गया है अब इस डिस्प्ले का सबसे मेजर अपग्रेड है इसकी पीक ब्राइटनेस पे यहां हमें 2800 हजार की पीक ब्राइटनेस दी गई है इसका मतलब है कि तेज धूप में भी इसे इस्तेमाल करते हुए लोगों को इश्यूज नहीं होंगे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई डोंट रियली हैव एनी कम्प्लेन्ट्स विद दिस डिस्प्ले इसकी एजस्ट कर््व होने की वजह से यह फोन ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है लेकिन इवन बियॉन्ड दैट फोर फिफ्टी पीपीआई की पिक्सल डेंसिटी से इस पे बहुत ही डिटेल्ड और शार्प पिक्चर्स आती हैं बेजल की बात करूं तो टू द एवरेज यूजर ये डिस्प्ले एक फ्लैगशिप जैसा डिस्प्ले महसूस होगा ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इस डिस्प्ले पे एवरीडे फोन यूसेज गेमिंग और इवन मूवीज वगैरह देखना लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे वैसे क्या ही बात होती है अगर इस फोन के अंदर ड्यूल स्पीकर होते तो ये इतना परफेक्ट हो जाना था ना ये फोन क्या ही बात थी खैर अब आगे बढ़ के बात करेंगे परफॉर्मेंस स्पेक्स पे और यहाँ चिपसेट कंफिग्रेशन काफी पावरफुल है और uh, डेफिनेटली पिछली बार से ये एक बड़ा अपग्रेड है क्योंकि Vivo जी वी में कॉलकॉम का लेटेस्ट स्नैप ड्रैगन सेवन जेन थ्री चिपसेट लगाया गया है जो कि एक चार नैनोमीटर का फाइव जी चिपसेट है साथ में अड्रीनो सेवन ट्वेंटी जीपी यू है बारह जीबी रैम है एक्सटेंडेबल बाय अनदर बारह जीबी जहन में रह के यहाँ कोई एस डी एक्सपेंशन नहीं है सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है और इस सबको पावर करने के लिए जैसे कि आपको पहले बताया पांच हजार मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी गई है और मैं विवो वी थर्टी फाइव जी के बारे में यह चीज जरूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बहुत ही लंबे अरसे के बाद हमने Vivo का कोई V सीरीज का फोन देखा है जिसमें इतनी बड़ी बैटरी दी गई है अमूमन फोर्टी फाइव हंड्रेड की बैटरीज होती थी लेकिन अब नहीं अब हमें पूरे पांच हजार में पावर मिलेंगे और इसे कंबाइन कर दें 80 वॉट की चार्जिंग के साथ जो कि बकॉल Vivo 48 मिनट्स में फोन को एम से फुल चार्ज कर देगी शन तो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप जहां भी बैठे हुए होंगे वहां अस्सी वॉट के चार्जिंग स्पीड के साथ आपका फोन फोन विल बी द द फास्टेस्ट चार्जिंग इन रूम ज्यादातर आज आजकल इससे स्लोअर चार्जिंग स्पीड ऑफर करते हैं और जहां तक बात है स्नैप ड्रैगन सेवन जैन थ्री प्रोसेसर की तो ये इस वक्त के एंड्रॉयड फ्लैगशिप एट जेन थ्री का छोटा भाई है और पिछले साल के सेवन सेवेंटी एट जी चिपसेट पे ये एक बड़ा अपग्रेड है चाहे बात हो गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर सीपीयू परफॉर्मेंस दोनों में ही हमें बड़े गेम दिख रहे हैं इस सेवन जेन थ्री से आप सवा आठ लाख तक का स्कोर कर सकते हैं इसके साथ साथ हमें एफिशिएंसी में भी गेंस दिख रहे हैं वी ट्वेंटी नाइन में स्नैपड्रैगन सेवन सेवेंटी एट जी का चिपसेट था जबकि सेवन जैन थ्री एक चार नैनोमीटर का चिपसेट है तो डू एक्सपेक्ट सम और फिर स्नैप ड्रैगन सेवन जेन थ्री और पांच हजार मिलिया पावर की बड़ी बैटरी और अस्सी वॉट की चार्जिंग के कॉम्बिनेशन के साथ दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट वी सीरीज डिवाइस जो कि मैं पावर यूजर्स और इवन सेमी सीरियस गेमर्स के लिए भी रिकमेंड कर सकता हूँ फिर यह फोन है स्टाइल कॉन्शियस ब्यूटी लविंग यूजर्स के लिए जिन्हें एक खूबसूरत फोन चाहिए बहुत सारी फोटोज लेनी है सोशल मीडिया पे लगानी है उन चीजों को यह प्रोसेसर आराम से हैंडल करेगा आपकी सारी डेली यूज एप्स सोशल मीडिया वीडियोज मूवीज इस प्रोसेसर में बहुत ही स्मूथली चलेंगी और इस फोन का ये इंटरफेस भी जो कि Vivo की फ्रंट टच ओ है कहने को तो ये Vivo की अपनी स्किन है लेकिन ओवर टाइम इसे बहुत ही मिनिमलिस्टिक कर दिया गया है और कुछ हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फील देने की कोशिश की गई है तो ओवरऑल मैं इस फोन के पावर स्पेक्स, इसके लुक्स इसका डिस्प्ले और इसके कैमरा सेटअप से खुश हूँ आई थिंक ये अब तक वीवो की v सीरीज का सबसे ज्यादा ऑलराउंडर टाइप का डिवाइस है और vivo ने अपनी खूबसूरत फोन बनाने की भी रिवायत को बरकरार रखा है लेकिन इस वीवो V35G में भी वही चीज मिसिंग है जो इससे पहले तकरीबन सारे वी सीरीज के फोन में मिसिंग थी और इसके प्राइस पॉइंट पर बहुत ही जरूरी है और वो हैं ड्यूल स्पीकर लेकिन जो कैमरा इस फोन में है एक बहुत ही सॉलिड कैमरा गेम ला रहा है मैं इसके 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा अल्ट्राइट कैमरा को खास तौर पर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ यह चीज बहुत ही रेयर है लेकिन अब देखना ये की वीवो वी थर्टी की प्राइस क्या निकल के आती है और आपके इस फोन के बारे में क्या ख्याल आते हैं चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और फॉलो करें वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज